अस्सलाम वालेकुम, नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खय्याम। नाज़रीन, आज एक नया हलका और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पंजाब के 20 हलकों में जहां ज़िमनी इंतखाब 17 जुलाई को होने जा रहे हैं, जो जो पोलिंग डेट नज़दीक आ रही है, हलकों में जो गहमा गहमी है उसमें हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आज हमने जो जिस हल्के का तस्करा करना है वो है लैया 282। इस हलके की बात करूं तो इस हलके में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नहीं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस आज़ाद उम्मीदवार का मुकाबला देखने को मिल रहा है। डिटेल आगे चलकर शेयर करते हैं। इससे पहले हम जो है वो PP7, PP83, PP90, PP97, PP237 की तफसीलात आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हमने लैया की जो तफसीलात हैं तमाम तर डिटेल वो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा जो यूट्यूब चैनल नई सोच को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो बिलखसूस इस ज़िमनी इंतखाबात से मुतलक बर वक्त आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल सके। जी नाज़रीन, लैया की नशिस्त PP282 इस हलके में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुकाबला है वो आज़ाद उम्मीदवार से देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार क्यों इस मुकाबले की दौड़ से बाहर दिखाई दे रहे हैं, उसकी मैं डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं आगे चलकर। लेकिन उससे पहले जो 2018 में इस हलके में इस PP282 के जो नतज थे वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ, ताकि शुरू से ही इस हलके की डायनामिक्स और इस हलके की पिक्चर को समझने में आप लोगों के लिए आसानी हो। अच्छा जी, यहाँ से आज़ाद जो उम्मीदवार थे 2018 में मोहम्मद ताहिर रंधावा, उन्होंने मैदान मारा था, 37,607 वोट हासिल किए थे और बाद में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए थे। अच्छा, उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हलके में उम्मीदवार थे कैसर मक्सी, उन्होंने 26,992 वोट लिए थे और जो जीतने और हारने का मार्जिन था तकरीबन 10,000 वोटों का था। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद रियाज घरवां साहब, उन्होंने अच्छा मुकाबला किया, 25,556 वोट लिए, PTI से तकरीबन 1,000 से चंद वोटों का से कम वोटों का ही जो फ़र्क था इनका। यहाँ से पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद रशीद, उन्होंने 3,731 वोट लिए और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार ने यहाँ से 3,695 वोट जो हैं वो हासिल किए। अच्छा, इस हलके में जो वोटर्स की मजमूई तादाद है वो 2,02,249 है, मर्द वोटर हैं 1,10,849 जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद है 91,400। तो 17 जुलाई को जो यहाँ पर इंतखाब होगा उसके लिए 130 जो हैं वो पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को निशानात अलाट हुए हैं वो उनकी तादाद 10 है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो ताहिर रंधावा साहब, जो लास्ट टाइम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीते थे, मुनहरफ हुए, डीसीट हुए, अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायत से यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी की भी जो है सपोर्ट इन्हें हासिल है, इसीलिए इस हलके में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, जबकि लास्ट टाइम जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने यहाँ से 3,500 से कुछ ज़ायद वोट हासिल किए थे, इस दफ़ा जो है वो उनकी हमायत जो है वो ताहिर रंधावा के साथ है। अच्छा, PTI के जो कैसर मक्सी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लास्ट टाइम भी यही उम्मीदवार थे और इस दफ़ा भी ज़िमनी इलेक्शन में भी सेम जो है वो उम्मीदवार हैं PTI के। इस यहाँ जो तब्दीली आई है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार में, मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो यहाँ टिकट दिया गया है वो ताहिर रंधावा साहब को टिकट दिया गया है, जो लास्ट टाइम 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे मोहम्मद रियाज घरवां साहब, उन्होंने जो है वो जहाँ से इलेक्शन उनसे कहा गया कि वो यहाँ से इलेक्शन ना लड़े, लेकिन उन्होंने पार्टी की जो दरख्वास्त है उसको नज़रअंदाज करते हुए यहाँ से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। अब वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, यहाँ से जो है वो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के शाहिद कादरी उम्मीदवार हैं। अब चलते हैं हलके की सियासी सूरत हाल की तरफ, जिसमें अब इस वक्त जो है वो जोड़ तोड़, जिसमें सियासी गहमा गहमी, जिसमें जो है वो जलसे जुलूस, कॉर्नर मीटिंग में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। मैं अगर थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूं, जो ताहिर रंधावा साहब यहाँ से आज़ाद हैसियत से जीते थे
उनका जो है वो डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ कि उनको जो वोट मिला था जिसकी बुनियाद पर वो कामयाब हुए थे, वो उस वोट डलवाने में इस हल्के में जो बहादुर खान शहर है MNA के लास्ट टाइम उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, NA 187 में जो मजीद न्याजी के मुकाबले में रनर अप रहे थे, यहाँ से जो मजीद न्याजी है वो जीते थे, मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए, लेकिन जो उनके जो रनर अप थे इंडिपेंडेंट बहादुर खान शेर साहब, उनकी सारी जो हमायत थी वो यहाँ से ताहर रंधावा साहब के साथ थी, जिस वजह से उनको जो खासा वोट है वो उनको मिला जिससे वो कामयाब हुए। यहाँ पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे 2018 में मोहम्मद रियाज गरवान साहब, उनको सुकलैन बुखारी जो NA 188 में जो नियाज जखर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA उनके मुकाबले में जो है वो इलेक्शन उन्होंने लड़ा था लेकिन वो इलेक्शन हार गए थे, उन्होंने जो उनकी जो हमायत थी वो रियाज गरवान साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे उनके साथ थी और उनको भी अच्छा खासा वोट पड़ा। लेकिन जो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों MNA जीते थे मजीद न्याजी साहब और नियाज जखर साहब, वो दोनों 2018 के इंतखाबात में न्यूट्रल थे, उन्होंने बिल्कुल भी इस हल्के में जो कैसर मक्सी MPA के उम्मीदवार थे उनके लिए वोट नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ अपने लिए वोट मांगे थे और वो MNA बने और यहाँ से कैसर मक्सी जो है वो रनर अप करार पाए और यहाँ से जो है वो ताहर रंधावा जीत गए। अब 2018 में एक तो वजह ये थी ताहर रंधावा के जीतने की, एक और भी वजह है ताहर रंधावा के जीतने की, तो उसकी वो वजह ये थी कि ताहर रंधावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो थे वो पुराने कारकुन थे। 2018 में उन्हें जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। इस हल्के में जो कैसर मक्सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्त पर इलेक्शन जिन्होंने लड़ा था और रनर अप रहे थे, 26,000 से ज़ायद वोट लिए थे, वो 2018 में ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़कर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे। एक वजह ये थी क्योंकि जो इस हल्के का नज़रियाती वोटर था, पुराना वोटर था PTI का, उन्होंने जो है वो ताहिर रंधावा साहब को जो है वो वोट दिया और मैं जो ताहिर रंधावा साहब वो यही बयानियाँ लेकर चल रहे थे कि वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की मदद से इलेक्शन जीत कर जब इलेक्शन जीत जाएंगे तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में अपनी जो है वो फतह डाल देंगे, जिस वजह से जो मैक्सिमम PTA का वोटर था वो उनके उन्होंने ताहिर रंधावा के जो बयानियाँ उस पर लबैक कहा और उन्हें वोट कास्ट किया और उन्हें वोट दिया। तो अगर यहाँ कहा जाए कि PTA के जो मैक्सिमम वोट है 2018 में वो ताहिर रंधावा को मिला तो ये गलत नहीं होगा, जबकि कैसर जो मक्सी साहब हैं उनका जो अपना असर सुख तो काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको जो वोट मिला और उनका अपना ही वोट उन्हें उस वक्त मिला, पार्टी का वोट क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गया था इसलिए उन्हें पार्टी का वोट मिला ज़रूर लेकिन उस तदाद में नहीं मिला कि जो मिलना चाहिए था। इस बार जो हल्के में जो अगर मैं बात करूं जो इस बार जो हल्के में जो सूरत हाल है वो चौक आज़म का जो इलाका है ये सिटी एरिया का इलाका है, ये जो है अहम रोल प्ले करता है किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार में। 2018 में ताहिर रंधावा साहब ने इस सिटी एरिया से जो वोट हासिल किए थे वो तकरीबन 6200-6300 के लगभग जो है वो उन्होंने यहाँ से वोट हासिल किए थे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रियाज गरवान साहब 2018 में जो अब आज़ाद उम्मीदवार हैं 2018 में वो मुस्लिम लीग नून की नशिस्त पर थे तो उस वक्त उन्होंने यहाँ से 4400 वोट हासिल किए थे चौक आज़म के एरिया से, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो कैसर मक्सी थे उन्होंने 2011 में इस फैसला कुन जो एरिया है चौक आज़म वहाँ से सिर्फ 1100 वोट हासिल किए थे, जबकि अगर दही इलाकों की बात करूँ तो दही इलाकों में जो चक हैं जो गाँव हैं वहाँ पे कैसर मक्सी का जोर था, उन्होंने वहाँ से लीड हासिल की भी लेकिन ये चौक आज़म और दिगर जो सिटी एरिया था वहाँ से ताहिर रंधावा साहब की जो 5 से 6 हज़ार की लीड थी वो चलती बनी और जो उनकी जीत की आखिरकार वजह बनी थी। अच्छा, अब जो सूरत हाल है वो यकसर मुख्तलिफ है 2018 के नस्बत। 2018 में जहाँ ताहिर रंधावा साहब को जो शहर ग्रुप जो है वो MNA के उम्मीदवार थे इंडिपेंडेंट, उन्होंने इलेक्शन लड़ा जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, मजीद न्याजी से हारे थे, उन्होंने इनकी सपोर्ट की थी लेकिन अब वो इनकी सपोर्ट नहीं कर रहे। यहाँ से जो रंधावा साहब हैं वो बिल्कुल अकेले अपनी इलेक्शन कम्पेन को कैरी किए हुए हैं, जो शहर साहब हैं वो इनकी इलेक्शन कम्पेन का हिस्सा नहीं है। इस दफ़ा जो बहादुर खान शहर साहब हैं
वो रियाज ग्रां जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने लास्ट टाइम नून लीग की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ा था, अब वो आज़ाद उम्मीदवार हैं तो वो उनकी सपोर्ट में उनकी इलेक्शन मुहिम को जो है वो चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं बहादुर शेर साहब। अच्छा आगे चले तो पीटीए के यहाँ पे जो एमएनए हैं जो बहादुर खान के चचा का बेटा है शहाब खान, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार कैसर मक्सी की जो है वो कंपेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर हम कहें कि शहर ग्रुप दो हिस्सों में तकसीम हो गया है तो गलत नहीं होगा, आधा जो ग्रुप है वो पीटीए को सपोर्ट कर रहा है, आधा जो ग्रुप है वो आज़ाद ग्रुप को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो अब्दुल मजीद न्याजी हैं, जहाँ से जो न्याज जखर हैं, दोनों एमएनए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो लास्ट टाइम न्यूट्रल रहे थे, उन्होंने इस एमपीए के लिए वोट नहीं मांगा था, वो भी अब कैसर मक्सी जो पीटीए के उम्मीदवार हैं उनकी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से जो एमपीए हैं क्या शहाब खान और लियाकत गिलानी साहब, वो भी कैसर मक्सी की को जितवाने के लिए सरगर्म अमल दिखाई दे रहे हैं। ये अगर मैं कहूँ कि ये पंजाब का जो वाहिद ज़मीनी इलेक्शन है, वाहिद हल्का है जहाँ पर जो एमएनए हैं वो जोर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं अपने एमपीए के कैंडिडेट को जितवाने के लिए। अच्छा अब बहादुर खान शेर, कुछ अरसा कबल मैं ये दिलचस्प खबर आपको देता चलूँगा, जिस तरह आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में कोई अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, उन्होंने यकीन दहानी करा रखी है मुस्लिम लीग नून को कि तमाम जो जाले कारकुन हैं, जाले वोटर्स हैं, वो पीटीए को सपोर्ट करेंगे, जो पीटीए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी हैं वो भी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे। इस हल्के में बहादुर खान शेर साहब हैं, कुछ अर्सा पहले वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, अब पीपल्स पार्टी की जो आला क्याद है उसकी यकीन दहानी के बावजूद जो हैं बहादुर खान शेर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रंधावा साहब हैं ताहिर रंधावा साहब, उनकी सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये रियाज ग्रां की जो है वो कंपेन चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो सकलैन साहब हैं जिन्होंने लास्ट टाइम एमएनए का इलेक्शन वो भी हार गए थे नियाज जखड़ साहब से, वो भी आज़ाद उम्मीदवार रियाज ग्रां की जो मोहम्मद रियाज साहब हैं उनकी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बात की चौक आज़म का एरिया और सिटी एरिया जो किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा, इस एरिया में इस मरतबा अगर मैं कहूं कि कैसर मक्सी की जो जो सूरत हाल है वो बेहतर दिखाई दे रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब्दुल मजीद न्याजी साहब जो जीते थे एमएनए के इलेक्शन, उनको इस हल्के से इस एरिया से खातर ख्वाह वोट पड़े थे, उनका काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक यहाँ मौजूद है। दूसरा न्याज जखर की भी सपोर्ट, अब दोनों जो पीटीए के एमएनए हैं दोनों की सपोर्ट का मिल जाना न्याज जखर को, ये उनकी सूरत हाल को बेहतर जो है उसने की है। अब जो अब सूरत हाल बन चुकी है, इस सारी सूरत हाल में अगर कैसर मक्सी साहब चौक आज़म का एरिया अपने नाम कर लेते हैं तो वो जो चक हैं जो दही इलाके हैं वहाँ से वो आगे ही सबकत हासिल करते हैं, तो इस सारी सूरत हाल में वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर वो इस हल्के से चौक आज़म वाले हल्के से जो है वो अगर लीड बराबर भी कर देते हैं, अगर 1 से 2 हज़ार की जो मुखालफ उम्मीदवार है वो यहाँ से लीड ले भी जाता है तो भी यहाँ से वो दही इलाकों से अपनी लीड को पूरी कर लेंगे, लेकिन अगर ये इस इलाके से इस एरिए से जो है वो मुस्लिम नून या जो है वो रियाज ग्रां साहब ज़्यादा वोट ले जाते हैं तो फिर जो है वो कैसर मक्सी के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। अब नून लीग की तरफ से जो जोर लगाया जा रहा है अपने कारकुन के लिए कि वो रियाज ग्रां साहब से कि वो दस्तबरदार हो जाए यहाँ से जो ताहिर रंधावा साहब हैं उनके हक में, लेकिन अब तक के जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारी बात भी हुई वो रियाज ग्रां साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को शिकस्त देंगे और यहाँ से इलेक्शन जीतेंगे, वो पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हल्के की जो गुजर बरादरी है वो उनके साथ खड़ी है और उनकी जो है वो कंपेन करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की जो ज़िली क़यादत है वो भी रियाज ग्रां साहब की इलेक्शन कंपेन करती हुई दिखाई दे रही है। तो इस हल्के में जो जो मुकाबला नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ वर्सेस जो वो आज़ाद उम्मीदवार रियाज ग्रां के दरमियान मुकाबला नज़र आ रहा है। पीटीए की अगर मैं यहाँ कहूँ कि सूरत हाल काफ़ी बेहतर है तो ये गलत नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप क्या समझते हैं, आपके नज़दीक इस हल्के में किसका पलड़ा भारी है, कमेंट सेक्शन में उसका तذکرہ लाजमी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।